बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुख्तसर सी कॉल पर अपनी मसरूफियाँ छोड़ के गवर्नमेंट के मौकफ़ को मही हमारा मैसेज चीफ मिनिस्टर साहब का, सूबाई गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट का पहुँचाने के लिए आप दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। उठा लेते सर, जैसे आप दोस्तों को पता है कि महरम अल हराम का जो मुकद्दस महीना है उसकी आमद आमद है। 6-7 जुलाई से महरम अल हराम का मुकद्दस महीना शुरू होगा। तो ये एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसकी न सिर्फ आलम इस्लाम के अंदर बल्कि आप देखें तो अक्सर सोशल मीडिया में हम देखते हैं। मैं किसी हिंदू स्कॉलर को सुनता था एक दिन, उसकी एक वीडियो मैंने देखी, तो उस पर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की का जो किरदार था और जो उनकी शहादत है उसको वो बयान करने पे मजबूर थे। और आप तमाम दोस्त इससे वाकिफ़ हैं। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो सबके हुसैन है, और वो न सिर्फ आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल है, उनका किरदार मिसाल पेश करती है, बल्कि उनकी जो शहादत जिस तरीके से करबला के मकाम पे इमाम अली ने न सिर्फ अपना सर कटाया बल्कि अपने पूरे ख़ानदान का, अपने जो 72 उनके रुफका थे उनके साथ, उन तमाम ने जो एक मिसाल उस वक्त जो कायम की शहादत की। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार, उनकी शख्सियत, उनकी शहादत, उस पर तो कोई आलिम दीन ही इसकी ब्रीफ जो